आगे बढ़ेंगे, बात जरा सियासत की कर लेते हैं। खबर मिल रही है राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है, उम्मीदवारों की लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ। राजस्थान में बीजेपी के 54 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। और राजस्थान में भी वो जो मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला था उसी को बीजेपी लागू करने वाली है। मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला मतलब सांसदों पर, केंद्रीय मंत्रियों पर, मतलब दिग्गजों पर दाव लगाने की तैयारी में राजस्थान में भी बीजेपी नजर आ रही है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी तक जो 79 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद हैं, 1 पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनको मध्य प्रदेश में पार्टी अभी तक उम्मीदवार बना चुकी है। तो ये जो राजस्थान की लिस्ट तैयार हुई है, हालांकि इस लिस्ट के ऐलान का अभी इंतजार है। इसमें क्या कुछ है आपको बता देती हूँ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, 54 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग गई है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे जिस वक्त ये बैठक चल रही थी, जहां 54 उम्मीदवारों के नाम को लेकर मोहर लगी है। तो ये बड़ी खबर। इतना ही नहीं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये जो बैठक हुई है, उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं 6 सांसद, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर वही मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला जो बीजेपी राजस्थान में भी अप्लाई करने जा रही है, उन सीटों पर चर्चा जहां पिछला चुनाव हारी थी पार्टी, मतलब वही जो कमजोर सीटें जिसको लेकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो यहां राजस्थान में भी उन्हीं सीटों पर चर्चा हुई है जहां पिछला चुनाव हारी थी, और उन्हीं सीटों को लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस सबके बीच राजस्थान में एमपी मॉडल कमल खिलाएगा क्या, और एमपी मॉडल में चेहरे कौन कौन से हैं जरा ये जान लीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं केंद्रीय मंत्री, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद, दिया कुमारी सांसद, राहुल कस्वा सांसद, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन चेहरों को राजस्थान विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। इसमें बाबा बालकनाथ जो सांसद हैं उनका नाम भी चर्चा में है। तो ये वो 6 चेहरे जिनको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में अप्लाई होगा। तो ये वो 6 चेहरे हैं बीजेपी के दिग्गज हैं जिनको पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, तय माना जाए, सूत्र यही बता रहे हैं मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी, मतलब सांसद मंत्री दिग्गजों पर दाव वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी बीजेपी अप्लाई करने जा रही है। ये निश्चित तौर पर रोमाना, और इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा था जब जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें कई ऐसे नाम थे जिससे लोगों को भले चौंकाया हो लेकिन ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। और राजस्थान में भी जिन 54 नामों पर जो चर्चा हुई है उसमें जो है 5 से 6 सांसदों के नाम है, जिसमें 2 से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। एक दिलचस्प चीज और सूत्रों से निकल के सामने आई है, और मुमकिन है कि अशोक गहलोत जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उनके जो है उनके मुकाबले में किसी केंद्रीय मंत्री या किसी जो है बड़े चेहरे को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, और उस रणनीति पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं देखा गया है। कमलनाथ जो एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके जो है उनके मुकाबले बीजेपी ने चुनाव मैदान में तो उतारा है लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन राजस्थान चुनाव में उसके उलट चर्चा यह चल रही है कि अशोक गहलोत के मुकाबले एक बड़े चेहरे को, एक बड़े जो है नेता को जो कि केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो बीजेपी की रणनीति क्या है, ये वो कौन सी सीटें हैं, ये वो सीटें हैं जो पिछले विधानसभा चुनावों में जहां पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, लिहाजा बीजेपी चरणवार तरीके से उन सीटों पर पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है जहां पिछले चुनावों में वो हारे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ही आप तक ये खबर भी पहुंचाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।